यहाँ बहन जी रवाना हो रही है, बहन जी को देख सकते हैं आप लोग। और इधर हमारे साथ में सुशील भैया जी हैं जो प्रत्याशी हैं, क्या कहें। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आने की वजह से देख रहे हैं पूरा मंडल कितना जोश में है, बाबागंज के जैसा मतलब हजारों लोग यहाँ आए हुए हैं पूरे जोश के साथ, बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है। हमारा ब्राह्मण समाज जो है खुल के हमारे सुशील गौतम के साथ लगा हुआ है। आदरणीय जी मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम रवि पांडे, मैं अपना आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकता हूँ, मुझे किसी ने कहा, मैं बहन जी के लिए स्वयं आया हूँ और मैं कह रहा हूँ कि इस बार बहन जी की सरकार बनेगी। चुनैया दिखा दीजिए जी, चुनैया दिखा देंगे हम अपनी, मैं अपना आधार कार्ड भी दिखा सकता हूँ, मैं रवि पांडे, आदरणीय बहन जी जीत रही है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं इलाहाबाद में जहाँ पे बसपा सुप्रीमो मायावती आई थी और अपने जनसभा को संबोधित करके रवाना हो चुके हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पे जो प्रत्याशी लोग हैं उनसे भी बात करें, क्या माहौल लग रहा है, क्या लगा बहन जी आई थी। धन्यवाद। आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की रैली होने के बाद पूरे मंडल में बहुजन समाज पार्टी के अलावा भाजपा, सपा, कांग्रेस, अन्य दल सब सफा हो गए हैं। जो आने वाली 27 तारीख को वोट करने वाला है, पूरा एक एक विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाने वाली है। सर्व समाज का आशीर्वाद मिल रहा है बहुजन समाज पार्टी को और जो भी प्रत्याशी जिस विधानसभा से है सारे प्रत्याशी जीत रहे हैं। हम बाबागंज विधानसभा से हैं, बाबागंज विधानसभा से लगभग सैकड़ों गाड़ियां आई हैं, बस आए हैं, सारे पदाधिकारी आए हैं, पूरे कार्यकर्ता एकदम जोश खरोश के साथ हैं और 22 में बाबागंज को जीतने जा रहे हैं। सर्व समाज का आशीर्वाद मिल रहा है, हमारे समाज, ब्राह्मण समाज, अन्य समाज, सारे समाज, मुस्लिम समाज, सारे समाज के लोग पूरी तरीके से आशीर्वाद बनाए हुए हैं। बहन जी कहती हैं हर पोलिंग बूथ को जिताओ, बीएसपी को सत्ता में लाओ और बाबागंज में बूथ हो चाहे सेक्टर अध्यक्ष हो कैप्चर हो जाते हैं, क्या कारण है। अब की ऐसी स्थिति नहीं है, पहले लोग दूसरी तरीके से रहता था, सपा और जनसत्ता का गठबंधन रहता था, आज की स्थिति पूरी तरीके से स्वतंत्र है, पूरे खुले मन से लोग सहयोग कर रहे हैं और एक एक बूथ पे हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं, किसी प्रकार की कहीं कोई हरकत नहीं हो पाएगी और हर बूथ पे बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। जनसत्ता को कैसे टक्कर देंगे, वर्तमान में विधायक विनोद सरोज जी हैं। सपा और जनसत्ता के अलग होने के बाद बहुजन समाज पार्टी नंबर एक पे हो गई है, दोनों पार्टी अलग अलग होने के बाद वैसे भी 30-40 हज़ार वोट से वो लोग माइनस हो गए हैं, कोई टक्कर की बात नहीं। हम लोगों को सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है, सर्व समाज पूरी तरीके से मैदान में है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरीके से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। हमारे साथ में बाबागंज के साथी भी और हैं, वहाँ से जो नेतागण वो भी हो, पासी बिरादरी से उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार पासी समाज जो है कटता रहता है, सपा की तरफ जाता रहता है, क्या कहेंगे साथ? हम विधानसभा बाबागंज में सुशील भाई को जिताकर लगभग 50,000 से ज़्यादा लीड कराएंगे और सबसे ज़्यादा हमें फायदा यह है कि जनसत्ता और समाजवादी के अलग होने से वहाँ के जो 30 साल से विधायक विनोद सरोज रहते थे वो अब की वोट जो है उनका जीतने वाला वो यादव समाज क्या कहते खुद अपना प्रत्याशी खड़ा किया, इसलिए अब की हम जीत हासिल करेंगे, 50,000 वोटों से लीड आगे होगी। सर्व समाज का जो है आप लोगों को समर्थन मिल रहा है, कैसे क्या हो? सर्व समाज के लोगों का समर्थन इसलिए मिल रहा है कि माननीय बहन जी के शासन काल में किसी भी समाज का व्यक्ति सताया नहीं गया है, अगर वो दोषी है तो चाहे जिस समाज का हो वो सलाखों के अंदर रहा है और जो बिल्कुल निर्दोष रहा वो अगर शासन बहन जी के शासन काल में अगर अंदर भी गया तो उसे बाहर भी छुड़वाने का काम माननीय बहन जी ने किया, कहते दिलाया, इसलिए सर्व समाज पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी के साथ है और सर्व समाज का क्या कहते कहना है। और ये आज मंडल के मंडल इलाहाबाद की भीड़ देखते हुए मंडल के जितने भी विधानसभाएं हैं सब में सर्व समाज का सहयोग ले। भाजपा तो टक्कर में है ही नहीं है, मीडिया कहती है। अरे मीडिया तो बिकाऊ है, मीडिया इतनी बिकाऊ है कि हम लोगों की क्या कहते बात कहने के लिए आप लोगों के माध्यम से कुछ कहने को मिल जाता है, नहीं तो मीडिया तो कभी हमारा दर्शाता ही नहीं। आज कम से कम नहीं तो यहाँ पर लाखों की भीड़ क्या कहते इकट्ठा हुई है, तो विधानसभा बाबागंज हो चाहे कुंडा हो सभी जगह माननीय बहन जी के खाते में सीट जाएंगी और वो मंडल की क्या कहते मीटिंग माननीय बहन जी के आने से वो सभी जनता को दिखा के कह दिया। और सर्व समाज के लोग यहाँ पे हैं, सर्व समाज से बात करेंगे, ब्राह्मण समाज से, पटेल समाज से, पासी बिरादरी से, हर समाज के लोग हैं, सर्व समाज से बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कहेंगे सर्व समाज को? भैया मैं राकेश कुमार मिश्रा बोल रहा हूँ, बाबागंज कोषाध्यक्ष। हमारा ब्राह्मण समाज जो है खुल के
हमारे सुशील गौतम के साथ लगा हुआ है और अब की पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी और सुशील नंबर एक के प्रत्याशी होंगे और विजयी होंगे। बाबा योगी जी कहते हैं कि ब्राह्मण समाज हमारे साथ है। योगी का काम सारा काम झूठा है, उसने जानवर छोड़ के सारी जमीनों को चरा लिया, सारे खेत जो हैं सारी जनता त्राह त्राह कर रही है, केवल वो दिखावा रूप में है, वो आपकी तीसरे या चौथे नंबर पर जाएगा। हमारे यहाँ बाबागंज में सुशील नंबर जी जो है, सुशील गौतम जी विजयी होंगे, 100% विजयी होंगे, और ये बसपा जो है चौथे नंबर पे जनसत्ता एकदम से गुल है, केवल दिखावा रूप में है। जनसत्ता को टक्कर कैसे देंगे सुशील गौतम जी वहाँ? जी आदरणीय बहन जी का प्रचार प्रसार, बहन जी की ईमानदार छवि हमारे लिए जीत साबित होगी। यहाँ पर अन्य जो भी पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे सपा हो, ये सिर्फ लड़ाने का काम करती है, ये सिर्फ आपसी फूट पैदा करती है, सांप्रदायिक पार्टियां हैं, ये लोग हमारे हित की पार्टियां नहीं है, ये सिर्फ लड़ाना जानती है। महंगाई ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, रोजगार ले लीजिए, इस पर बात नहीं करनी है, धर्म पर बात करनी है, जाति पर बात करनी है, एक विशेष तवज्जो पर बात करनी है। लेकिन आपने जाति कहा, योगी जी कहते हैं ब्राह्मण समाज हमारे साथ है। आदरणीय जी मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम रवि पांडे, मैं अपना आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकता हूँ, मुझे किसी ने कहा, मैं बहन जी के लिए स्वयं आया हूँ और मैं कह रहा हूँ कि इस बार बहन जी की सरकार बनेगी। चुनैया दिखा दीजिए। जी चुनैया दिखा देंगे हम अपनी, मैं अपना आधार कार्ड भी दिखा सकता हूँ, मैं रवि पांडे, आदरणीय बहन जी जीत रही है, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। ब्राह्मण समाज में क्या मुद्दे रहेंगे बसपा के लिए? जी आदरणीय ब्राह्मण सबसे उपेक्षित, इस सरकार में ब्राह्मण सबसे उपेक्षित रहा है, फर्जी मुकदमे, फर्जी SC ST हर तरीके का, ना ब्राह्मणों के लिए कोई सुविधा है, उनको मुख्य धारा से हटा कर व्यवहार किया जा रहा है। आइए प्रत्याशी महोदय से मिलते हैं, जिस तरह से इनको पूर्ण समर्थन मिल रहा है, क्या सही बात है? पूरे तरीके से सर, समाज का पूरे हर विधानसभाओं में, पूरे मंडल में ब्राह्मण समाज का तो खास तौर से 90% समर्थन मिल रहा है। बाकी आज की बहन कुमारी मायावती जी की रैली होने के बाद पूरी सारी पार्टियां सफा हो गई हैं, 27 को एक केवल बहुजन समाज पार्टी को वोट मिलने जा रहा है और मंडल की सभी सीटें हो रहे जीतने जा रहे हैं हम लोग। खासतौर से बाबागंज जो हमेशा हर पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती थी, अब की अलग अलग जनसत्ता और समाजवादी पार्टी के अलग होने से बहुजन समाज पार्टी बहुत काफ़ी मतों से लीड करने जा रही है। यहाँ मायावती जी आई थी, क्या सीख मिली, क्या लगता है माहौल क्या है? माहौल सही है उनका, वो अपने कार्यकाल में 23 जिला बनवाए, 23 न्यायालय, 23 हॉस्पिटल, 23 न्यायाधीश, पूरे चीज की व्यवस्था कर रहे, उनके सरकार में 23 जिला चमका हुआ है। आज भी जाके देख लो, पूरे प्रदेश में 23 जिला चमका है, सारे लोग जानते हैं इसको, और योगी सरकार दोबारा चाहती है सरकार को 23 जिला उच्च जिला बनाया, आज पूरा प्रदेश देख रहा है 23 जिला सबके काम में आया, 23 जिला पूरा कौशाम्बी में, हमारे क्षेत्र में मंझनपुर जिला। हम लोग बात कर रहे हैं और इधर उधर जो है बहन जी रवाना हो रही है, बहन जी को देख सकते हैं आप लोग, और इधर हमारे साथ में सुशील भैया जी हैं जो प्रत्याशी हैं, क्या कहें? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आने की वजह से देख रहे हैं पूरा मंडल कितना जोश में है, बाबागंज के जैसा मतलब हजारों लोग यहाँ आए हुए हैं, पूरे जोश के साथ बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है और बाबागंज में विजय होने जा रही है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मंडल से प्रस्थान करते हुए उनका हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ, सभी जनता की तरफ से उनका स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए, सर्व समाज की जनता स्वागत अभिनंदन वंदन कर रही है, सभी को धन्यवाद। और जो है भाजपा कहते हैं कि मायावती दलित की नहीं दौलत की बेटी हो गई है, जिस तरह से जहां से उड़कर चली गई भाजपा, सब सपा हो गए, सारे ब्राह्मण नेता जितने भी छोटे छोटे बड़े पदाधिकारी हैं, जितने भी लोग हैं सर्व समाज के, सबसे ज्यादा इस समय पूरे मंडल में ब्राह्मण समाज पूरे तरीके से बहुजन समाज पार्टी के साथ है, और जितना सम्मान ब्राह्मण समाज को बहुजन समाज पार्टी ने दिया है आज तक कोई पार्टी दूसरी पार्टी नहीं दिया है। यहाँ पे काफी एडवोकेट अधिवक्ता दिख रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्या लगता है और लाइन ऑर्डर जो है बसपा का काफी अच्छा रहा है, ये वही बता सकते हैं जो लाइन ऑर्डर पे काम करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए आप लोगों ने 2007 में बहन जी की सरकार देखी थी, जिस तरह का शासन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पाती हैं किसी ने आज तक नहीं दिया है। लोग चिल्लाते हैं कि हम सुशासन दे रहे हैं, हम नहीं कहते, NCRB की रिपोर्ट देखिए आप, NCRB गवर्नमेंट एजेंसी है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो,
वो कहती है कि हर दो घंटे में प्रदेश में एक बच्ची एक महिला का साथ बलात्कार हो रहा है, उनका उनकी हत्या हो रही है, अपराध हो रहा है। आप कहते सुशासन कहते हैं, यही बहन जी की सरकार थी, किसी की औकात नहीं थी कि किसी बहन बेटी के साथ जो कि वो नज़र उठा कर देख सके। एंटी रोमियो के स्कॉट बहन जी की सरकार में हुआ था, बहन जी की सरकार में सारी जनता सुखी थी। भाजपा का लाइन ऑर्डर आपको कैसा लगा, आप अधिवक्ता हैं? देखिए, भाजपा का जो लाइन ऑर्डर था वो ठीक रूप से नहीं था। जो बहन कुमारी क्या कह रहे हैं, उन्नाव रेप केस को आपने देखा है? आप देखते हैं कि रात को वहाँ पे जो है सपा नेता के खेत में जो है दलित बेटी का शव मिलता है, क्या कहेंगे आप? यही देखिए कि सपा का राज आने पे क्या होगा, आप इस समझ को समझ सकते हैं। गुंडा माफियाओं का राज चालू हो जाएगा, और सबसे पहली बात, संविधान विरोधी इसमें भाजपा की गवर्नमेंट है पूरी तरीके से, जो हमारे आरक्षण को खत्म कर रही है मुद्दे के साथ। अगर ये सारी सरकारी संस्थाएं खत्म कर देगी तो आप किससे नौकरी मांगेंगे? भाजपा सरकार में जो है अधिवक्तों को भी आंदोलन करना पड़ता है क्या? जी बिल्कुल करना पड़ता है। इस सपा कार्यकाल में जो भी रहा है उचित रूप से अधिवक्ताओं के लिए नहीं कहा, बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी गई है, और तमाम समस्या के देखते हुए भाजपा सरकार जो है देश चलाने का काम नहीं किया है। बीजेपी राजा भैया के गढ़ में जहाँ पे दबदबा होता है वहाँ बसपा जीतने जा रही है, ब्राह्मण समाज बोल रहा है, सर्व समाज बोल रहा है, बहन जी कहती है ना हर पोलिंग बूथ को जिताओ, बीएसपी को सत्ता में लाओ तो बीएसपी आने वाली है।